किस्मत कभी भी पलट सकती है और इसका जीता जागता एग्जाम्पल देखने को मिला रातों रात सिंगिंग सेंसेशन बनी रानू मंडल को देखकर। ये तो आप सभी जानते हैं कि रानू मंडल रेलवे स्टेशन पर गाना गाया करती थी। ना तो उनके पास रहने की जगह थी और ना ही खाने के लिए पैसे। स्टेशन पर गाना गाकर वो अपना पेट भरती थी। एक दिन रानू के इस गाने को किसी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसके बाद वो रातों रात मशहूर हो गई। यहाँ तक कि रानू ने हाल ही में हिमेश रेशमिया की फिल्म के लिए एक सॉन्ग भी रिकॉर्ड किया है। लेकिन आपको बता दें कि रानू ने भले ही अपना पहला गाना हाल ही में रिकॉर्ड किया हो, लेकिन इस फिल्मी दुनिया से उनका पहले से ही गहरा नाता है और इसका खुलासा किसी और ने नहीं, खुद रानू मंडल ने किया। मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक रानू मंडल बॉलीवुड के इस खान के घर पहले काम करती थी। अगर आपके जहन में ये बात बोलते ही शाहरुख, सलमान या आमिर खान का नाम आ गया है तो थोड़ा सब्र रखिए, हम बता देते हैं आपको। रानू रेलवे स्टेशन पर गाने से पहले फिल्म डायरेक्टर और एक्टर फिरोज खान के घर काम करती थी। रानू न सिर्फ उनके घर में खाना बनाने का काम करती थी बल्कि उनके घर में साफ सफाई भी करती थी। खबरों के मुताबिक रानू फिरोज खान के बेटे फरदीन खान और उनके चाचा संजय खान का भी ख्याल रखती थी। वैसे ये पहली बार नहीं है जब रानू का नाम किसी और खान से जुड़ा हो। इससे पहले भी सलमान के रानू को मदद करने जैसी बातें खूब उड़ चुकी है। फिलहाल तो रानू की कोयल जैसी आवाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। पहले हिमेश और अब भोजपुरी इंडस्ट्री से भी रानू को बड़े बड़े ऑफर्स मिलने लगे हैं। अभी हाल ही में भोजपुरी एक्टर सिंगर प्रदीप पांडे चिंटू ने कहा कि वो बहुत जल्द रानू के साथ एक सॉन्ग रिकॉर्ड करेंगे। रानू मंडल जी लोगों के दिलों में जिस तेजी के साथ जगह बना रही है वो कमाल है। उन्होंने कहा कि जब मैंने उनका गाना सुना तो मैं उनका फैन हो गया। वेल, रानू इसी तरह अपना नाम बनाए और अपने टैलेंट के दम पर बॉलीवुड में छाए, ऐसा हम भी चाहते हैं। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।